हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंशुस कॉर्नर। मैं हूं अंशु, एक बार फिर से आप सभी के साथ। ICMR RMRC यानी रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर में रिक्रूटमेंट चल रही है लेबोरेटरी टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। सो जिन कैंडिडेट्स ने अपना 12th साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट किया है और जो चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब करें, या फिर जिन स्टूडेंट्स ने अपना डिप्लोमा किया है, DMLT किया है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी में, वो कैंडिडेट्स अगर गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। RMRC में लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए पोस्ट खाली है, जिसमें सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू करा जाएगा। यहाँ पर किसी तरह का कोई एंट्रेंस एग्जाम यानी रिटन एग्जाम आपका नहीं होगा। आइए बात करते हैं इसमें वॉक इन इंटरव्यू की डेट क्या रखी गई है। सो PDF जो इसका नोटिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग 24 अक्टूबर 2019 को, यानी 24 अक्टूबर को इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। दिबुर्ग आसाम में होगा ये इंटरव्यू। उनके जो सेंटर है, RMRC का जो सेंटर है, वहीं पर ये इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जिसका टाइम होगा 10 बजे। इसमें लिखा हुआ है कि 10 AM ही इसका टाइम है। जो कैंडिडेट इस टाइम के बाद आएंगे उनको एंट्री नहीं मिलेगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड है इस जॉब के लिए, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैंने कहा, 12th पास अगर आपने की है साइंस स्ट्रीम से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें DMLT, BMLT अगर आपने किया हुआ है तो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा अगर आपके पास है 1 ईयर का तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास 2 ईयर्स का फुल डिप्लोमा है मेडिकल लेबोरेटरी में तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इंटरव्यू दे सकते हैं। और सिलेक्शन, जैसे कि मैंने बताया, इंटरव्यू के बेस पर ही होगा। 30 ईयर्स से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए और किसी तरह का एज रिलैक्सेशन यहाँ नहीं है। कैटेगरी वाइज कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स है। पे की बात करते हैं तो सैलरीज में 18,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। और गाइज, अगर आपने BSc की हुई है साइंस स्ट्रीम से यानी के, तो उसमें आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस, इसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपको इसमें जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कैरी करके ले जाने हैं। तो आपके पास होना चाहिए अपडेटेड रिज्यूमे, बायोडाटा, प्लस 2 रिसेंट फोटोग्राफ आपके होनी चाहिए। इसी के साथ जो आपके जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट है, वो भी आपके साथ होनी चाहिए। और अगर आप वर्क एक्सपीरियंस्ड है किसी प्राइवेट फर्म में या किसी लेबोरेटरी में, तो हॉस्पिटल में, तो भी आप इसका सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो भी अपने साथ कैरी जरूर करें। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जॉब के लिए तो आप दिबुर्ग आसाम में ये इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, ताकि मेरी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ जल्द ही एक नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।